हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ऋतु ब्रतो। फ्रेम में देख सकते हो टोयोटा की तरफ से ग्लैंजा का सेकंड मॉडल एस वेरिएंट यहाँ पे रहने वाला है। डिटेल में एज ए कंज्यूमर रिव्यू करेंगे, स्पेस आपको कैसा देखने में मिलता है और क्या क्या फीचर है आज के दिन, क्या एक प्रीमियम हैचबैक आपके लिए सही रहेगा, बेसिकली किन के लिए सही रहेगा, डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले स्पेशल थैंक्स है मैं कहूँगा गार्गी टोयोटा को ये वीडियो में शूट करने देने के लिए। इनका फोन नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी टोयोटा कार के लिए आप इन्हें कॉल कर सकते हो, लोन ईएमआई का भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने में मिल जाएगा। सबसे पहले एक ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो पेट्रोल मैनुअल एस वेरिएंट अगर आप ऑन रोड अप्रॉक्सीमेट प्राइस की मैं बात करूं तो 8,40,000 to 45,000 के आसपास ऑन रोड यहाँ पे कॉस्ट करता है। सबसे पहले अगर आप कलर देखते हैं ना, मुझे ये वाला सिल्वर कलर एक अच्छा लगा क्योंकि सिल्वर के साथ ये जो क्रोम है और यहाँ पे जो ब्लैक है इसके वजह से एक अच्छा सा लुक निकल के आता है। पहले भी एक चीज़ मैंने यहाँ पे टोयोटा ग्लैंजा के अंदर आपको बता चुका हूँ, ये जो लोगो है ना इसको जो है अलग से आपको रोड प्रेजेंस आपको दे के जाता है और ये वाला जो शेप है ना एक मतलब स्पोर्ट्स कार का लुक आपको देखे जाता है। इनका अगर आप जो एक हाइब्रिड कार है वही देखते हैं उसका भी लुक आपको देखा जाएगा। यहाँ पे आपको क्रोम देखने में मिल जाएगा। फॉग लाइट आपको जो इस वेरिएंट में नहीं है उसी के साथ ऑब्वियसली आप शोरूम की तरफ से एज एक्सेसरी इसको लगवा सकते हैं एंड जेन्युइन पार्ट जो है ऑब्वियसली मैं वही आपको रिकमेंड करूँगा। हेडलाइट यूनिट देखते हैं काफ़ी खूबसूरत है। सेकेंड मॉडल के अंदर ही आपको जो है यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप दिया जाता है और ये जो क्रोम है ना इसके वजह से जो लुक है बहुत खूबसूरत सा निकल के आता है और ये जो शेप भी है ना थोड़ा सा बोल्ड लुक के अंदर है तो अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ पे बोनट चेक करते हैं शार्प लाइंस आपको यहाँ पे देखने में मिलता है। इन सब चीज़ों की वजह से ना अगर आप लुक साइड से भी देखते हैं मतलब इस एंगल से भी काफ़ी अच्छा सा एक बोल्ड सा प्रीमियम हैचबैक के अंदर जो डिज़ाइन होना चाहिए वो आपको देखने में मिल जाएगा। उसी के साथ अगर आप यहाँ पे साइड प्रोफाइल में चले आते हैं तो वैसे तो देखिए बोल्ड डिज़ाइन है ही, थोड़ा सा राउंडिश शेप के अंदर आपको देखने में मिलता है और यहाँ पे ये जो शार्प लाइंस है इनके वजह से काफ़ी अच्छा सा लुक निकल के तो आता ही है। डोर हैंडल्स जो है वो आपको बॉडी कलर के अंदर ही है और ORVM आप जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर आपको देखने में मिल जाता है, बॉडी कलर के अंदर ही है, एक्चुअली ड्यूअल टोन में क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है वो ब्लैक कलर के अंदर है। उसी के साथ अगर आप टायर्स देखते हैं सबसे पहले तो स्टील व्हील के साथ व्हील कवर आपको यहाँ पे दिया जाता है टोयोटा के लोगों के साथ ऑब्वियसली जो रहने ही वाला है। टायर साइज यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं 185/65 R15 है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दिया जाता है, पीछे ऑब्वियसली ड्रम ब्रेक है एंड ABS CVT बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम करता है, स्कीड नहीं करता जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है। डोर्स अगर आप देखते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक बार में क्लोज होता है जो कि बलेनो के अंदर थोड़ा सा एक दिक्कत है, मुझे नहीं पता इसका क्या रीज़न है बट हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ पे फिल करके रखा है। फ्यूल टैंक आपको जो है इस साइड में दिया जाता है। उसी के साथ मुझे ना बलेनो मतलब ग्लैंजा का खास करके सेम ही है दोनों, इसके लिए गलती से मैंने बोला जो भी है, ये वाला जो पोर्शन है ना ये बड़ा सही लगता है, ये जो ये वाला कर्व शेप है ना काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा पीछे चले आते हैं, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना नहीं है, नॉर्मल एंटीना इस वेरिएंट में आपको देखने में मिल जाता है। यहाँ पे शार्क फिन एंटीना होता ना बड़ा मज़ा आता बट हाँ यहाँ पे आप लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो ब्रेक लाइट है वो आपको ऑब्वियसली LED के अंदर दिया जाता है और स्पॉइलर की वजह से एक अच्छा सा स्पोर्टियर लुक निकल के आता है। डिफॉगर है, वाइपर ऑब्वियसली आपको लोअर वेरिएंट में नहीं मिलने वाला। बूट अगर आप ये वाला लुक चेक करते हैं मुझे ना ये जो सी शेप है काफ़ी अच्छा लगता है और ये जो लाइट है ना ये रात में बहुत खूबसूरत सा निकल के आता है और क्योंकि दो सेक्शन के अंदर है तो अगर आपका सपोज कार ख़राब है रोड के अंदर, बूट खुला हुआ है, स्पेयर टायर अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन क्योंकि मतलब अलग से है तो ऑब्वियसली एक सेफ्टी रहता है। बाकी यार सी शेप क्या लगता है, चुम्मा डिज़ाइन डेफिनेटली कहूँगा। बाकी यहाँ पे ग्लैंजा का वेजिंग है, यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है जो वेरिएंट का वेजिंग है वो भी है, काफ़ी लोग कहेंगे छोटा सा चीज़ है बट नहीं अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पे टोयोटा ने एक बड़ा ही सही काम करा है, अगर आप पार्किंग सेंसर देखते हैं यहाँ पे चार है, अगर आप i20 में चले जाओगे ना वहाँ पे दो मिलता है, इवन अल्ट्रोज में चले जाओगे वहाँ पे आई थिंक दो या फिर तीन ही है बट चार जो है आपको सिर्फ ग्लैंजा या फिर बलेनो के अंदर ही देखने में मिलता है, चार आप देख सकते हो। और इसका प्लेसिंग भी अगर आप देखते हैं काफ़ी सही है, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे दिया जाता है और ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखते हैं कोई दिक्कत नहीं, 170mm का आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस है और यहाँ पे ये जो शेप है काफ़ी स्पोर्टियर सा जो शेप है वो देखने में मिलता है। बूट एक बार खोल लेते हैं और हाँ एक चीज़ कहूँगा, यहाँ पे बूट जो है ना यहाँ पे आपको पकड़ने का स्पेस है और हैवी है एक्चुअली, हल्का नहीं है ये बूट तो ये सही है। पर्सनल टाइप को सेकंड वेरिएंट में है, एक बार आप बूट स्पेस चेक करिए कितना ज़्यादा वाइडर बूट आपको यहाँ पे देखने मिलता है। हाँ लोडिंग लिफ्ट डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूर है बट हाँ स्पेस वाइज काफ़ी प्रैक्टिकल यहाँ पे रहने वाला है तो वो एक सही चीज़ है। बाकी चाइल्ड सेफ्टी सीट्स के लिए आप यहाँ पे हैंग जो यहाँ पे कर सकते हैं एंड यहाँ से जो सीट है उसको आप एक बार में ही फोल्ड कर सकते हैं, कोई भी 60-40 का स्प्लिट नहीं है पीछे वाला सीट यहाँ पे, डेफिनेटली सेकेंड वेरिएंट में हो सकता था ये चीज़। अदरवाइज बेसिकली 320 लीटर का बूट स्पेस है बट लोडिंग लिफ्ट ज़्यादा है तो इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिकली आप सामान यहाँ पे रख सकते हैं। स्पेयर टायर अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं
देख सकते हो। इस वेरिएंट में तो खैर आपको सेम साइज़ का ही देखने में मिलता है। हाँ, अगर आप ऊपर वेरिएंट में जाओगे जहाँ पे आपको एलॉय मिलता है, वहाँ पे भी आपको एक छोटा साइज़ वहाँ पे मिलता है, बट इसके लिए वो चीज़ प्लस है। अब चलते हैं अंदर फाइनली। अच्छा, डोर क्लोज करके जो चीज़ बताया ना, हाँ एक फील है पहले जैसा। मैं इसे हल्का तो नहीं कहूँगा, बट हाँ अब भी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको रगेड फील होता है, बट नहीं फिर भी अच्छा लगा। अच्छा, इसका इंटीरियर अगर आप चेक करते हैं ना, प्रॉपरली आपको डुअल टोन के अंदर है, जो कि बलेनो से इसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील कराता है। अगर आप चेक करते हैं यहाँ पे प्लास्टिक टेक्सचर जो है, बेसिकली सॉफ्ट टच थोड़ा सा फील होता है ये हार्ड प्लास्टिक बट टेक्सचर की वजह से वो फील आता है। बाकी ये डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर के अंदर है। वार भी हम जो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब फोल्ड के लिए और यहाँ से एडजस्ट, और उनका जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे दिया जाता है। सेंट्रल लॉकिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो है फैब्रिक है, ये काफ़ी अप्रिशिएट करने वाला चीज़ है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, ब्लैक कलर के अंदर है। और हाँ, ये वाला जो है आपको बेज कलर या फिर क्रीम कलर के अंदर देखने में मिल जाता है। नीचे अगर आप देखते हैं यहाँ पे स्पेस है, और यहाँ पे आप ऑब्वियसली बॉटल वगैरह देख सकते हैं। स्पीकर ग्रिल आपको यहाँ पे दिया जाता है। एंड हाँ, इस वेरिएंट के अंदर अगर आप देखते हैं सीट हाइट जो है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ रिक्लाइन जो है यही एडजस्ट कर सकते हैं। बट अंदर भी अगर आप देखते हैं ना, एटलीस्ट मैं तो कहूँगा एक से डेढ़ से दो साल जो है आप यहाँ पे सीट कवर मत लगाइए, इसके साथ मज़े लीजिए, क्योंकि इसका सीट काफ़ी वाइडर है, मज़ा आता है। अगर आप एक बार भैया को मैं कहूँगा क्लोजली बताने के लिए, तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हैं। जी हाँ, सीट्स बड़ा कंफर्टेबल है, इसके बारे में डिटेल में डेफिनेटली बात करने वाला है, कोई टेंशन नहीं रहेगा। बट हाँ, जो कैबिन का एक व्यू है वो आप एक बार फर्स्ट पर्सन में देख सकते हैं, सबके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इंटीरियर में सबसे पहले इन एंड आउट की बात करें, कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने में नहीं मिलता। ड्राइवर सीट को एक बार जो है मैं यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, तो मेरा हाइट ना अप्रोक्सीमेटली 5'8" है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके रखा है। सबसे पहले तो जी हाँ, आप स्टेयरिंग जो है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से ऊपर नीचे। सीट हाइट एडजस्टमेंट डेफिनेटली जैसे बोला नहीं है, बट सबसे पहले मैं यहाँ पे बैठ के जो चीज़ मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगा रहा है यहाँ पे, वो है ये वाला कलर कॉम्बिनेशन, पियानो ब्लैक के साथ ये वाला क्रीम कलर या फिर बेज कलर कितना ज़्यादा प्रीमियम लगता है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी एसी वेंट के अंदर जो डिज़ाइन है, यहाँ पे देख सकते हो बड़ा सही सा डिज़ाइन है यहाँ पे निकल के आता है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे ग्लास एरिया चेक करते हैं, काफ़ी वाइडर सा आपको जो है ग्लास देखने में मिलता है, तो हाँ आपको काफ़ी एयरी केबिन फील होता है, इसलिए इसका एक प्लस पॉइंट यहाँ पे भी ये भी देखे जाता है। जो डैशबोर्ड है वो भी यहाँ पे आपको काफ़ी वाइडर देखने में मिलता है, तो आपको थोड़ा सा ना एक फील आता है कि हाँ एक प्रीमियम कार के अंदर आप बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डेफिनेटली रहने वाला है। और हाँ, वार्ड भी हम डेफिनेटली आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो बटन्स है वो आपको यहाँ पे दिया जाता है। वाइपर कंट्रोल ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आपको लाइट का कंट्रोल है। ऑटोमेटिक हेडलाइट कोई भी आपको इस वेरिएंट में नहीं है। आइडल स्टार्ट स्टॉप जो है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। बाकी MID जो है वही है जो नॉर्मल रहता है, बलेनो वाला MID ही रहने वाला है। अभी ये ना एक्टिव नहीं है, क्योंकि जस्ट शोरूम पे आया हुआ है और हम लोग जो वीडियो कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि ग्लैंजा का इस वेरिएंट का वीडियो बनाइए इसके लिए। बाकी हाँ, यहाँ पे आपको एवरेज शो करता है, डिस्टेंस 20, ट्रिप ए ट्रिप भी सब चीज़ें शो करता है। हाँ, यहाँ पे एवरेज की बात करें, देखिए ये चीज़ डिपेंड करता है आपके ड्राइव के अंदर, बट ऑन एन एवरेज अगर आप बहुत नॉर्मल ड्राइव करते हैं ना, तो आराम से आप जो 17.5 सिटी और हाईवे को अगर आप मिला लेते हो विथ एसी 3-4 बंदों के साथ निकाल सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे से चलाओगे, सिर्फ हाईवे ड्राइव की बात करें, तो भैया ये 21 प्लस भी निकाल के देगा, कोई दिक्कत आपको वहाँ पे नहीं रहेगा। बाकी एसी वेंट्स का जो डिज़ाइन है वो एक बार आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे चले आते हैं, तो एसी का जो कंट्रोल है यूनिट जो है ये इसके साथ काफ़ी अच्छा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पियानो ब्लैक है ना, और नीचे वाला जो ये यूनिट है ये ऑब्वियसली ब्लैक के साथ सिल्वर है, तो अच्छा लग रहा है। बाकी हाँ, 1.2 के साथ ये वाले ऐसे काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, जैसे आप देख सकते हो अभी काफ़ी जल्दी इसको जो है कूल कर दिया, और बड़ी ही आसानी से आप यहाँ पे जो है एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, तो अगर आप सेट करते हैं अपने हिसाब से ये जो है कैबिन को कूल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ नीचे चले आते हैं, USB के लिए आपको सॉकेट दिया जाता है। ऑब्वियसली एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले या फिर USB आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। 12 वोल्ट का भी सॉकेट यहाँ पे दिया जाता है। एंड म्यूजिक सिस्टम की बात करें, तो हाँ ये वही मारुति वाला सिस्टम ही यहाँ पे रहने वाला है। देखिए टच में कभी भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। आप यहाँ पे जो ड्राइवर्स इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे देख सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ यहाँ पे सपोर्ट करता है, इससे ज़्यादा तो और किया ही चाहिए। स्पीकर क्वालिटी की बात करें अच्छा है। हाँ, अगर आप वॉल्यूम बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑब्वियसली फटता है, बट म्यूजिक सिस्टम में तो मैं कहूँगा कोई कमी नहीं है। बाकी टैप स्टाइल देखने में मिलता है, सीट को मेरे अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट करके रखा है। गियर यहाँ पे देखते हैं, 5+ रिवर्स गियर आपको देखने में मिल जाता है। यहाँ पे मैं क्लच की बात करूँ, काफ़ी लाइट है यहाँ पे,
और यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट गियर में कितना आसानी से ये जो है चलने वाला है, कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा। फुल ड्राइव भी बहुत जल्द आएगा, कोई टास्क आपको वहाँ पे नहीं रहेगा। बट हाँ, इस वेरिएंट के अंदर आपको जो है कैमरा देखने में नहीं मिलता, जो पार्किंग सेंसर है पीछे वाला चार वही सिर्फ देखने में मिलता है, बाकी जो हैंडब्रेक है वो है। बाकी यहाँ पे आपको जो है आर्मरेस्ट इस वेरिएंट के अंदर नहीं है, बट ये भी आप लगवा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपको देखने में मिल जाता है। उसी के साथ अगर आप यहाँ पे मुझसे जानना चाहते हो कितना क्या नॉइस करता है, तो सबसे पहले हम लोग इसको बंद करते हैं और मैं एक बार चुप करता हूँ। जी हाँ, इस लेवल का आपको साइलेंट इंजन यहाँ पे ग्लैंजा के अंदर देखने में मिलता है। अब एक बार पीछे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए सेम सा चीज़ कहूँगा, इन एंड आउट में कुछ आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पे आप स्पेस को, ये तो बहुत स्पेस है, मतलब इतना ज़्यादा स्पेस। मैं 5'8" का हूँ सही में, आपने देखा होगा दूसरे वीडियो के अंदर। मैं अगर कंफर्टेबली बैठूँ ना तो मैं ऐसे बैठूँगा और मेरे पास बहुत स्पेस है। ओके, यहाँ पे 6 फीट का भी कोई ड्राइव करेगा और पीछे भी 6 फीट का कोई बैठेगा ना, तो भैया बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हो। और पैर ना बड़े ही आसानी से नीचे चला जाता है, तो मैं ऐसे भी यहाँ पे सो के जा सकता हूँ, जो कि एक बड़ा सा प्लस यहाँ पे रहने वाला है। ओके, उसी के साथ यहाँ पे देखते हैं तो पीछे यहाँ पे स्पेस है। बेसिकली एसी वेंट होता है ऊपर वेरिएंट के अंदर, बट इसके अंदर नहीं है। जो भी यहाँ पे आप फोन रख सकते हो, नीचे भी स्पेस है एक्चुअली। और यहाँ पे 12 वोल्ट पावर सॉकेट है, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं चार्जिंग और वो सब चीज़ों के लिए। बाकी यहाँ पे डोर पैनल देखते हैं, सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी है। पावर विंडो का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे है, फैब्रिक आपको यहाँ पे है, यहाँ पे भी फैब्रिक है, नीचे आपके पास बॉटल होल्डर दिया जाता है, बाकी तो चीज़ें सेम है। हाँ जी, एक चीज़ मेरा कंप्लेन रहेगा, यहाँ पे जो हेडरेस्ट है ना वो डेफिनेटली मेरे सर को सपोर्ट देता है, बट अगर एडजस्टेबल हो जाता ना अलग लेवल का पे कंफर्ट मिलता है। ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, एक प्रीमियम हैचबैक है बस इस चीज़ के लिए, बाकी और कुछ नहीं। बाकी काफ़ी प्रैक्टिकल है, एरिसा कैबिन है, पीछे भी आपको जो लाइट है वो देखने में मिल जाता है। एंड बाकी मज़ेदार है। इंजन के बारे में यहाँ पे बात करें तो निकल के उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1.2 लीटर मतलब 1200 cc का वही मारुति वाला जो इंजन है इसके अंदर आपको देखने में मिल जाता है। मैनुअल के साथ आपको AMT का भी ऑप्शन है। अब जी हाँ, अब जो है आपको यहाँ पे CVT का ऑप्शन देखने में नहीं मिलता, और हाँ CNG भी अभी आपको कंपनी ऑफर करता है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे जा सकते हैं। देखिए इसके बारे में इंजन की बात करें, लोअर एंड मिड रेंज परफॉर्मेंस काफ़ी सही है, डिटेल वीडियो बहुत जल्द आएगा। इस ग्लैंजा की पर्सनली मैं बात करूँ ना, 3 पॉइंट मुझे इस कार का बड़ा सही लगता है। सबसे पहले तो जो कैबिन है बड़ा ही आपको स्पेशियस फील होगा, और डुअल टोन और थोड़ा सा बेज कलर क्योंकि है ना उसके लिए प्रीमियम फील होता है, और थोड़ा सा और ज़्यादा बलेनो से एरी कैबिन फील होता है, और ऑब्वियसली फ्यूल एफिशिएंट तो ये है ही। और हाँ, टोयोटा का आफ्टर सेल्स यहाँ पे एक प्लस देके आपको डेफिनेटली जाने वाला है। रोड प्रेजेंस भी थोड़ा सा बेटर आपको देखने में मिलेगा। कुछ भी कन्फ्यूजन है डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर इंस्टा पे DM कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जय हो, बाय गाइस।